तो हमने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का जो पार्ट शेष रह गया है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए पार्ट 3 का देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। बस अब हम शुरू करते हैं। हमने आपको क्या बताया कि इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, एक लॉरेंज फोर्स एक्टिव होता है, उसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं तो दूसरे जगह पॉजिटिव ही चार्ज बचते हैं। इसलिए एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल और दूसरे साइड पॉजिटिव क्वोशेंट पोटेंशियल होता है, इसलिए इनके क्रॉस एक हॉल वोल्टेज क्या होता है, जनरेट हो जाता है। तो यहाँ तक आपको हॉल वोल्टेज के संबंध में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा आगे का जो टॉपिक था क्या था, तो आगे का मेरा टॉपिक जो था वो क्या था, कूलम्स लॉ। तो हम कूलम्स लॉ को अब देखते हैं, हॉल इफेक्ट को परफेक्टली हटा देते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है। मान लीजिए कोई दो प्रकार का चार्ज है, कोई भी दो प्रकार का चार्ज, यहाँ मान लीजिए Q1 है, यहाँ मान लीजिए Q2 है, इनके बीच एक डिस्टेंस है d। तो इनके बीच जो फोर्स एक्टिव होता है, फोर्स वो यह बराबर होता क्या है, ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपान बीच में जो है वो किसके, डी स्क्वायर के। जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट है, यहाँ पर एक प्रकार का कांस्टेंट एक्टिव होता है, वो होता है 1/k। इसको हम मान लें कि ये जो कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पे 1/4 ε₀ εr Q1 Q2 d² तो इस प्रकार से ये आपका फार्मूला। यहाँ पे जो ε₀ εr है वो है होता है आपका k। देखिए या तो आप इसको k कहें या तो इसको एफसाइलन कहें, एफसाइलन इज इक्वल टू k एफसाइलन, दोनों बातें कही हुआ ε₀ εr इसके बराबर होता है। हम थोड़ा सा इस पर अब डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, ε₀ क्या होता है, εr क्या होता है, ये एफसाइलन क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हम उस बार हम बताए थे कि कैपेसिटर में यहाँ पर क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक क्या होती है, निगेटिव प्लेट। दो प्लेटें होती हैं, इसी के बीच में हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो यहाँ पे जो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं, इनका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर जाती हैं, उन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, कंडेंस करते हैं। इसलिए हम इसका एक अन्य नाम क्या देते हैं, कंडेंसर देते हैं। क्या देते हैं एक अन्य नाम, कंडेंसन देते हैं। तो देखिए इसके अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, तभी ना ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर कंडेंस कर रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होता तो ये कंडेंस नहीं कर पाता, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। तो कंडेंस करने की जो ये प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, जिसको एप्साइलन आर के दोनों में से किसी एक शब्द से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आप समझिएगा। तो अगर हम कि मान लीजिए यहाँ पे हम मोम भर दिए हैं, तो अगर किसी मोम, मान लीजिए हमको रिलेटिव परमिटिविटी निकालना हो, तो जिस पदार्थ का, जिस मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं, पहले हम उसकी परमिटिविटी रखते हैं और फिर एयर की परमिटिविटी रखते हैं। एयर की परमिटिविटी का मतलब कि अगर हम बीच में एयर भर दें तो भी तो कंडेंस करेगा, उसकी भी तो एक प्रॉपर्टी होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी एयर की है उसको हम ε₀ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ एयर। और यहाँ उस मटेरियल की परमिटिविटी है जो यहाँ फिल कर रहे हैं, या जिसका रिलेटिव परमिटिविटी आप निकालना चाह रहे हैं, यानी कि किसी पदार्थ की जो परमिटिविटी होती है वो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी के मल्टीप्लाई के
इक्वल होती है। तो यहाँ एप्साइलन बराबर एप्साइलन जीरो इंटू एप्साइलन आर, या आप कह सकते हैं के बराबर एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन जीरो होता है। तो इसे एप्साइलन जीरो की तो फिक्स मान है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो फिक्स वैल्यू एप्साइलन जीरो का इतना ही मान होता है। तो हम किसी भी मटेरियल के अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो उसकी परमिटिविटी अपान एयर की परमिटिविटी, तब हमको उसकी रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगी। मान लीजिए कि हम रिलेटिव परमिटिविटी एयर का निकालना चाह रहे हैं, किसका निकालना चाह रहे हैं, एयर का। तो पहले हम एयर की परमिटिविटी यहाँ लिखेंगे, ऑलरेडी नीचे एयर की परमिटिविटी तो सब में रहती है इसलिए दोनों कट के कितना आता है एक, इसलिए एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है हमेशा 1 होती है, यह हमें याद रखना चाहिए। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट कि एयर की जो परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 1 होती है। अब परमिटिविटी कितनी होती है, इतना उसका इतना मान है। इसलिए बहुत लोग इसमें भी कन्फ्यूजन होते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है और रियल एक्चुअल वैल्यू में इसकी परमिटिविटी क्या होती है। तो एक्चुअल वैल्यू में इसकी परमिटिविटी ये है और रिलेटिव परमिटिविटी ये है। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम दो नाम देते हैं, इसी रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी का एक अन्य नाम और है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हाँ तो डिस्को आप इस चीज़ को पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए अगर हम मान लीजिए कि इनके और इनके बीच का जो मीडियम है यहाँ पे, वो मीडियम क्या है, एयर है, हमने एयर में इसको रखा हुआ है। तो होगा क्या, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी एक होती है, हमने बता ही दिया। तो यहाँ पे तो यह बराबर क्या मिलेगा आपको, अगर हम इस कांस्टेंट की बात करें, अकेले इस पूरे कांस्टेंट की हम बात करें, मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए टोटल एक कांस्टेंट की है, तो ये होगा क्या, 1/4πε0। इसकी जब वैल्यू आप पुट करेंगे, ये 4 है, 3.14 है, 8.85 इंटू 12 है, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। तो ये इस कांस्टेंट का मान है। अगर यहाँ पे अगर हम जो हमने अब बताया कि एप्साइलन या एप्साइलन के दोनों एक ही बात हुई, अगर यहाँ आप के यूज करेंगे तो यहाँ पर आप के डैश यूज कर लेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, फाइंड हो जाएगी 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, यह फिक्स वैल्यू है। तो ये जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कूलाम चला इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लीजिए अगर कहा जाए कोई मैटर है, कोई मैटर कंटेन करता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कितना, कोई मैटर है वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है कंटेन करता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर क्या होगा, एन इंटू ई होगा। तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, -19 कूलाम। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60×-19 कूलाम, यानी कि अगर किसी मैटर में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल इतना चार्ज क्या करेगा, कंटेन करेगा, इतना चार्ज उसमें उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से
हमने लगभग इलेक्ट्रिक चार्ज का टोटल बता दिया, लेकिन हाँ अभी एक टॉपिक बाकी है जिसको हम शॉर्टली स्टडी करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम देखते हैं। देखिए इसको शॉर्टली हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई क्लोज्ड एरिया है, इसके सेंटर में हमने कोई चार्ज पुट किया हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। इसके आसपास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन होंगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जो होंगी इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसको हम क्या करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है, मतलब जो फाई है, वो टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है। यानी कि जो यहाँ फाई होता है वो q/ε0 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं, या दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जो ये फाई होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रेशन के। मान लीजिए कोई एरिया छोटा सा ले लीजिए, ds एरिया ले लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसका जो सरफेस इंटीग्रेशन इसी प्रकार से निकलता है। इस पूरे को हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रकार से सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर यूनिट निकालना हो, क्या निकालना हो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट निकालना हो तो हम यहीं से निकालते हैं। देखिए बहुत लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जानते हैं कि वेबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। तो यहाँ आप जान लीजिए कि कैसे हम उसको निकालते हैं। तो यहाँ फाइव बराबर क्या है, यहाँ E इंटू डी एस से आप यूनिट निकालिए। E का यूनिट आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, वोल्ट अपान E, E बराबर क्या होता है, वी अपान डी। तो D का अगर मीटर मानिए तो यहाँ मीटर हो जाएगा E का, और डी एस एक एरिया है उसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कटेगा तो क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका एक मात्र क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। और दूसरा मात्र अगर निकालना चाहें तो E बराबर एफ अपन क्यू भी होता है, E बराबर क्या होता है, एफ अपन क्यू भी, यानी कि न्यूटन अपन कूलाम भी होता है। तो यहाँ से आपको न्यूटन अपन कूलाम हो जाएगा, और ये आपका एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका एक मात्र न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम भी होता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो यूनिट्स हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट्स आपको कहीं मिलते नहीं हैं, इसको डायरेक्टली बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ आप जानिए कि ये यूनिट्स बेसिकली आए कहाँ से, इनका जनरेशन कहाँ से हुआ, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी। इसलिए भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ भी है आप इसको नोट करिए या स्क्रीन शॉट लीजिए। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, अब आगे आगे के वीडियो में अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस से सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन बताएंगे, उसके बाद वहाँ आपको लॉ बताएंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। तो बस, ओके, थैंक यू।